मीमफाई का एयरड्रॉप लाइव हो चुका है मीमफाई यूजर्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो 5 मिनट पहले का ही अपडेट है, मीमफाई यूजर्स को कॉफी का एयरड्रॉप मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको मीमफाई का एयरड्रॉप का भी अपडेट्स बताने वाला हूं कि कब तक आपको एयरड्रॉप मिलेगा, कितना मिलेगा, बाकी कॉफी वाला एयरड्रॉप किन किन यूजर्स को मिलेंगे, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोगों ने अगर अभी तक एथिर का एयरड्रॉप ज्वाइन नहीं किया है तो एथिर का एयरड्रॉप फटाक से ज्वाइन कर लेना, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले फंडिंग देख लो, इन्होंने टोटल 130 मिलियन डॉलर रेज किया है अब तक। इनका गैलेक्सी में एयरड्रॉप लाइव हो चुका है सीजन 2 का। सीजन 1 में ऑलरेडी हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट्स हुआ था टोटली फ्री में। सीजन 2 भी आप लोग टोटली फ्री में ज्वाइन कर पाओगे। छोटा मोटा टास्क होगा जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा ताकि आप में से सभी लोग इजीली ज्वाइन कर पाओ। सबसे पहले यहाँ पे आप अनाउंसमेंट भी देख सकते हो सीजन 2 का। अब किनको ये एयरड्रॉप मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। एज वेल एज एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले देख सकते हो लीनिया का भी एयरड्रॉप लाइव हो चुका है लेयर 3 में। एक स्टोन से आप 2 बर्ड को हंट कर पाओगे, यानी 2 एयरड्रॉप सिर्फ और सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करके। तो इसका भी मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा। ओके, टोटली फ्री में आप लोग ज्वाइन कर पाओगे, इसीलिए आराम से वीडियो को पूरा देखना। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, यहीं पे देखने को मिलता है। सो सबसे पहले मैं आपको मीमफाई का ही बता देता हूँ क्योंकि छोटा अपडेट है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। सो मीमफाई का रिसेंटली अनाउंसमेंट निकल के आया है, कॉफी एयरड्रॉप फॉर मीमफाई यूजर्स, यानी जितने भी मीमफाई यूजर्स हैं उनको कॉफी का एयरड्रॉप मिलने वाला है। कॉफी का जो टोकन है आपका डैक्स में लिस्ट होने वाला है, साथ ही साथ 3 एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगा। अब कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा उसका कोई भी अपडेट नहीं है, बट कल लिस्ट होने वाला है और आज आपका रेडियम में लिस्ट होगा। ओके, सो मैं एक बार इनका ट्विटर पे लेकर के चलता हूँ एंड जितना भी अपडेट्स है डिटेल्स है आपको बताता हूँ। बाकी हैमस्टर का भी एक न्यू वीडियो आ रहा है निकल के, तो मैं डायरेक्टली आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ओके, सो वीडियो में आप लोग बने रहना क्योंकि एथिर का एयरड्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटली फ्री में ज्वाइन कर पाओगे। पहले मैं मीमफाई का अपडेट्स आपको दे देता हूँ क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो। देखो यार, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मीमफाई जो है ना गेमिंग और सोशल फाई प्रोजेक्ट है, तो इसे हल्के में मत लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो सकता है, वो भी टोटली फ्री में। 90% ये लोग कम्युनिटी को, जैसे कि आप लोग अनाउंसमेंट देख सकते हो, कॉफी एयरड्रॉप फॉर मीमफाई यूजर्स। अब देखो ये हर किसी को नहीं मिलने वाला, ओनली 20 रैंडम यूजर्स को कॉफी का एयरड्रॉप मिलेगा, राइट। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इनका कॉफी का जो लिस्टिंग है रेडियम डेक्स पे होने वाला है जो कि सोलाना के ऊपर है, बाकी 3 एक्सचेंजेस पे भी होने वाला है कल। देखो अगर आपका लक अच्छा रहता है और आप विनर बनते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे फॉलो द न्यूज़ हेयर, तो इसके लिए कॉफी का इन्होंने टेलीग्राम भी दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉफी। आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि मीमफाई वालों ने कॉफी का भी बोट का बताया था। सो यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ओके, तो इसको भी हटाते हैं। सो कॉफी का मैं सिंपल में अगर बताऊँ, 20 के रेंडम यूजर्स को चूज़ किया जाएगा जिसको कॉफी का एयरड्रॉप मिलेगा, जिसको आप इजीली रेडियम पे जाके सेल आउट कर पाओगे या फिर आप एक्सचेंजेस पे जाके सेल आउट कर पाओगे, जिसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जब भी कॉफी का एयरड्रॉप मिलता है। ओके, बाकी बात करते हैं हम मीमफाई का। तो मीमफाई का जो एयरड्रॉप है जुलाई में होने वाला है, इनका टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, 90% कम्युनिटी को मिलेगा, यानी 9 बिलियन टोटल सप्लाई में से। और इनका टोकन का प्राइस आपको जो है नियर अबाउट $0.1 देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है तो इसका मार्केट कैप भी अच्छा रहेगा। अब आप जितना भी टोकन बेसिकली अर्न कर रहे हो, टोकन नहीं कॉइंस जो कि टोकन में आपका कन्वर्ट होगा, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा नोट कॉइन का बताऊं तो नोट कॉइन वालों ने बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया था, राइट। अगर उसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मीमफाई भी करता है तो आपको नोट कॉइन से भी ज़्यादा मीमफाई में आपको प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो अभी के लिए आप मीमफाई में अपना जो पॉइंट्स है इंक्रीज करते रहो और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है, जस्ट सिंपल में कॉफी का आपको बता दिया। बाकी कोई भी अपडेट्स आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना। ओके, तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारा एथिर एयरड्रॉप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना।
तो आपको मैं गैल्सी का लिंक दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा जो काम है हमें गैल्सी के ऊपर ही करना है। और ये जो एयरड्रॉप है आपका 1 महीना से 2 महीना तक चलेगा, जहाँ पे कि मंथली इनके आपको क्विस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी season 2 का quest 1 कंप्लीट हुआ है, इस क्विस्ट का नाम है द न्यूबी रोल हंट। आपको न्यूबी रोल जो है लेना पड़ेगा जिससे कि आप इनके एयरड्रॉप को फार्म कर सकते हो, यानी आपको एयरड्रॉप मिलेगा। तो अभी ये quest 1 है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, बाकी quest 2 भी आएगा जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा या फिर छोटा सा वीडियो बना के आपको दे दूंगा, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। ओके, देखो कोई भी एथिर को मिस मत करना, क्योंकि season 1 में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था और season 2 में मैं मानता हूँ कि season 1 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है season 2 में। ओके, तो सबसे पहले आप गैल्सी में आना। अगर गैल्सी में आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या करना, अपना जो मेटामास्क है सबसे पहले गैल्सी के साथ कनेक्ट कर देना, उसके बाद सेटिंग पे जाना, और सेटिंग पे जाने के बाद अपना ट्विटर, जैसे कि यहाँ पे सोशल अकाउंट है, इसमें अपना ट्विटर और डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कनेक्ट कर लेना पहले से, ठीक है। तो आप सेटिंग पे जा करके सोशल पे जाके अपना ईमेल, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम ये सारा कनेक्ट कर देना। ओके, एंड वैलेट एड्रेस पे आपका तो ऑलरेडी वैलेट कनेक्टेड होगा, और बाकी अगर आप अदर वैलेट कनेक्ट करना चाहते हो तो वैलेट पे जाके कर सकते हो। तो प्रोफाइल सेटिंग पे आप कर लेना अपना, ठीक है, सोशल टास्क, यानी सोशल जो भी आपका ट्विटर वगैरह है कनेक्ट। तो जैसे आप कर लोगे ना, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉलो करना है, ओके, देख सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो ये आपका टिक टिक हो जाएगा। ओके, अब आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि है आपका न्यूबी सोशल रोल लेना डिस्कॉर्ड पे, और ये आपका न्यूबी चैटर रोल एंड न्यूबी रोल, ठीक है। जैसे आप ये दोनों रोल ले लेते हो तो न्यूबी रोल आपका ये वाला जो टास्क है लास्ट वाला, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी आप रिफर वगैरह भी कर सकते हो। सो अब डिस्कॉर्ड सबसे पहले ज्वाइन करना है, तो आप टास्क पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप डिस्कॉर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, और आपको इनको डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी डिस्कॉर्ड ज्वाइंड है, ठीक है, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना सिंपली। और इनके अनाउंसमेंट वाले पे आप आओगे तो इनका season 2 का जो क्राइटेरिया है बताया गया है, तो इनका एयरड्रॉप जो है season 2 बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि फंडिंग इनके पास अच्छा है। अभी न्यू टीयर्स होंगे, जैसे कि आपका जो रिवार्ड्स है आपके टीयर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहेगा। ओके, उसके बाद इंगेजमेंट वगैरह का यहाँ पे बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बट मेन काम है कि हमें डिस्कॉर्ड पे रोल कैसे मिलेगा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। बट यहाँ पे आप देख लो न्यू क्या है season 2 में season 1 के मुकाबले। ओके, तो यहाँ पे टोटल कुछ इतना ATS टोकन का एयरड्रॉप होने वाला है, यानी 5.5 मिलियन ATS टोकन का टोटल एयरड्रॉप होगा। ओके, तो इतना ही है यहाँ पे अनाउंसमेंट पे। अब हमें रोल बेसिकली करना है, तो अब देखो रोल के लिए आपको season 2 फैक्ट पे अगर आप आओगे, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो इस पे जब आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगा कि बेसिकली क्या करना है न्यू वी रोल लेने के लिए। हमें 2 रोल चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर क्विस्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रोल चाहिए, एक तो हमें न्यू वी सोशल रोल चाहिए, दूसरा न्यू वी चैटर रोल चाहिए, और लास्ट वाला क्या है कि ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा अगर हमारे पास 2 रोल होता है। तो सिंपली हम डिस्कॉर्ड पे आएंगे। अब यहाँ पे इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू गेट न्यू वी चैटर रोल। तो चैटर रोल के लिए हमें क्या चाहिए, तो चैटर रोल के लिए आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेजेस करने पड़ेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे काउंट किया जाएगा एज अ एक्टिव यूजर। पार्टिसिपेट इन जनरल एक्टिविटीज़ एंड कन्वर्जेशन, यानी जो जनरल एक्टिविटीज़ है, जनरल एक्टिविटीज़ का मतलब इनका जो जनरल ये वाला है ना, यहाँ पे आप आके टाइम टू टाइम लोगों का हेल्प करो, मैसेजेस करो, जैसे कि मैं यहाँ पे हाई करता हूँ, लोगों को सपोर्ट करो। ओके, तो अभी तो हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है कंटेंट ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, हाई हेलो करना मना है, तो देखो आप हाई हेलो करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो बेटर है कि आप एक्सीलेंट वगैरह कुछ भी अच्छा सा कमेंट करना, नाइस वगैरह जो भी है, या फिर किसी का हेल्प कर दो, तो यही है एक्टिव रहना। तो आपको बेसिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूबी वाले पे भी आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट वगैरह कर सकते हो। तो फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये वाला चैट जो रोल है बेसिकली न्यूबी चैटर रोल, ये आपको एक्टिव रहने पे मिलेगा डिस्कॉर्ड पे, यानी जनरल वगैरह पे आपको बेसिकली मैसेजेस वगैरह करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके आपको ये वाला न्यूबी चैटर रोल मिल जाएगा। अब न्यूबी सोशल रोल कैसे मिलेगा, तो न्यूबी सोशल रोल के लिए आपको ना 10 पोस्ट या फिर थ्रेड बनाना पड़ेगा एथिर से रिलेटेड। ओके,
पोस्ट जो है आपका एक ट्वीट एक थ्रेड डेली का होना चाहिए फॉर 10 डेज। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप 10 पोस्ट या फिर 10 थ्रेड कर दो, आपको हर दिन एक एक करके करना है। ओके, तो आप जो ट्विटर एग्जांपल के तौर पे जो ट्विटर आप गैलसी में कनेक्ट किए हो उसी ट्विटर से आपको इनके बारे में पोस्ट करना है। जैसे ये मेरा ट्विटर अकाउंट हुआ, तो इधर आप एथिर का सीजन 2 के बारे में कुछ भी अच्छा सा पोस्ट कर देना डेली का, तो आपका डेली का काउंट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यानी 10 टोटल पोस्ट का इन्होंने बताया सीजन 2 के बारे में। आप एक एक पोस्ट पर डे के अकॉर्डिंग करते रहना 10 डेज तक। ओके, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया पोस्टिंग 10 ट्वीट्स इन 1 डे वॉन्ट काउंट, यानी एक दिन में आपको 10 पोस्ट नहीं करना बल्कि एक एक पोस्ट आपको 10 डेज तक करना है। अब यहाँ पे बोला है हाउ टू गेट न्यू बी रोल, आप न्यू बी रोल कैसे आपको मिलेगा, क्योंकि ये टास्क तो आप कर लोगे जो इन्होंने 2 टास्क बताया है। इसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है अर्न बोथ न्यू बी चैटर एंड न्यू बी सोशल रोल। ठीक है, सबसे पहले आपको न्यू बी और चैटर रोल पहले अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 जो आपको मैंने अभी बताया, उसके बाद इनके सीएम को जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा न्यूबी रोल के लिए, फिर आप कंप्लीट कर पाओगे गैलेक्सी क्विस्ट को। ओके, तो यही है सिंपल, जैसे ये 2 रोल आपको जैसे मिल जाता है तो न्यूबी रोल के लिए आपको इनके सीएम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सीएम यानी जैसे जनरल पे आप आओगे ना, तो इनके जो भी मोड वगैरह हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी मैं आपको और भी ब्रीफ में डिटेल्स बता दूंगा कि किन को कॉन्टैक्ट करना है। ओके, तो आपको बेसिकली जो काम इन्होंने बताया है आप अगर कर देते हो तो आप फिर से आना गैलेक्सी वाले टास्क पे। ठीक है, तो गैलेक्सी वाले पे आपको न्यू बी रोल बाद में मिल जाएगा, जब आपका ये 2 रोल हो जाएगा फिर आप आराम से कंप्लीट कर देना, और अपना जो टास्क है यहाँ पे इनकम्प्लीट है ना मेरा, तो इसको कंप्लीट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपको एथिर के टोकन्स मिलेंगे। ये सीजन 1 का है, सीजन 1 में बेसिकली आपको सीजन 2 का क्विस्ट 1 में आपको बेसिकली यही क्विस्ट को कंप्लीट करना है, फिर क्विस्ट 2 आएगा तो उसका अपडेट आपको मैं दे दूंगा। तो एज ऑफ नाउ आपको इतना ही काम करना है, डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना है, डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहोगे तो आपको बेसिकली रोल मिल जाएगा, बाकी जो भी और भी अपडेट्स वगैरह होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और आप इनके डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहोगे और इनके जितने भी सब बात करते हैं लेयर 3 के ऊपर जो लीनिया का कैंपेन आया है, जो कि आप में से सभी लोग कंप्लीट करना। लीनिया का जो फंडिंग है $723 मिलियन था 2023 में, 2024 में डेफिनेटली इनका जो फंडिंग है $1 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका होगा। सो कोई भी मिस मत करना, इजी टास्क है, जिसमें कि आपको LXP मिलेगा, LXP आपका लीनिया के टोकन में कन्वर्ट होंगे। सो आपको लेयर 3 का भी एयरड्रॉप मिल जाएगा सीजन 2 का इसके वजह से, और आपका जो फ़ायदा है लीनिया का हो जाएगा। तो इस कैंपेन का नाम है लीनिया कल्चर SZN। इसमें आपको लीनिया का जो इकोसिस्टम है उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल LXP मेरा 0 बता रहा है, अब मैं जितना भी टास्क करूँगा मेरा यहाँ पे 0 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और वोटिंग पावर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मेरा वोटिंग पावर अभी 3 है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पहला टास्क है इंट्रोडक्शन टू लीनिया कल्चर, तो इसमें आपको लीनिया कल्चर के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको आप रीड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अब सिंपल सा आपको मेटामास्क वगैरह जो कि अपन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको मेटामास्क जो है अपना लाइक कनेक्ट करना है अपना जो प्रोफाइल है। अगर आप लेयर 3 इससे पहले कभी यूज़ नहीं किए हो तो सिंपल आप अपना मेटामास्क एड्रेस जो है लीनिया मतलब लेयर 3 के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया, यानी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट और 2 LXP हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक टास्क था। अब वैसे करके आपको इनका जो दूसरा क्विस्ट होगा, ठीक है, ये दूसरा क्विस्ट है इनका। अब यहाँ पे क्या है कि आपको NFT चेंज बैकग्राउंड करके ऐसे करके दिखेगा, तो आपको पहले मिंट Massive 1 NFT करके आपको मिलेगा, तो आपको Massive 1 NFT यहाँ पे मिंट करना है, जिसका आपको 20 LXP मिलेंगे। तो सिंपल सा एलिमेंट पे जाओ, आप NFT को मिंट कर सकते हो इनके लॉन्च पैड में। अब देखते हैं इसमें कितना फी लगता है। 0 फी, यानी फ्री में आप मिंट कर पाओगे। तो सिंपल से हम अपना मेटामास्क एड्रेस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रेबी वैलेट कर रहा हूँ, रेबी वैलेट का भी मैंने वीडियो बना रखा है। रेबी वैलेट में क्या है कि आपका जो बेसिकली वैलेट हैक होता है उससे आप बच सकते हो, इनका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। ओके, तो मेटामास्क की जगह मैं रेबी वैलेट को यूज़ कर रहा हूँ, चाहो तो मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा वैलेट तो कनेक्ट हो चुका है, सॉरी एक बार, हाँ अब हो चुका है।
अब यहाँ पे हमें सिंपल सा जो है एनएफटी को मिंट करना पड़ेगा। ओके तो देख सकते हो एनएफटी हम लीनिया चेन पे मिंट कर रहे हैं, बहुत कम फी लगेगा, 0.02 डॉलर ओनली। तो कंफर्म हम कर देंगे, जैसे कंफर्म करेंगे हमारा बेसिकली क्विस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी ये मिंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो फ्री में यहाँ पे मिंट था, सिर्फ छोटा सा आपको गैस फी लगा जो कि आप कर सकते हो। अब फिर से बैक आते हैं और हम बेसिकली इसको वेरीफाई कर देंगे, तो हमारा ये काम हो गया। अब हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, अब हमारा यहाँ पे 20 LXP आ चुका है, तो ये भी हमारा क्विस्ट कंप्लीट हो चुका। ओके तो अभी देखो बहुत सारे क्विस्ट आएंगे धीरे धीरे जो कि 20 आवर में अनलॉक होगा। अब यहाँ पे देखो पहला वोटिंग वाला भी यहाँ पे लाइव होगा जिसमें आपको क्यूब मिलेंगे, और क्यूब आपका Layer 3 का एयरड्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अभी के लिए आपका यहाँ पे टोटल 6 क्विस्ट लाइव है, जैसे लीनिया LXP क्विस्ट जिसमें आपको क्विस्ट रिक्वायर्ड होगा, ये वाला तो हमने तो ऑलरेडी कर लिया पहला क्विस्ट। अब इसको कंप्लीट कर दोगे आपको 2 LXP इधर भी मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हो 2 LXP हमें इधर मिल चुका है। तो टोटल हमें 24 LXP मिल चुका है और यहाँ पे 24 LXP हमें शो भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे NFT लर्न करके है, जहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट NFT कैसे क्या होता है उसके बारे में आपको सिखाएगा, और आपको छोटा सा क्विज होगा यहाँ पे जो कि आप आंसर दे के आप कंप्लीट कर सकते हो, और 2 LXP आपको इधर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक टास्क है जो कि कोई भी कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे ये वाला टास्क है, इसके लिए आपको वेट, तो इसके लिए हमें उससे अवॉइड NFT स्कैम वाला, यानी NFT जो स्कैम होते हैं उसके बारे में इन्होंने बता रखा है जो कि आप रीड कर सकते हो। ओके और एक छोटा सा क्विज होगा, आप सॉरी क्विज होगा जिसको आप कंप्लीट कर दोगे, 2 LXP इधर से मिल गया हमें, ठीक है। और एक टास्क और है वाट आर मेटामास्क, इसमें आपको मिल जाएंगे 2 LXP। तो ये छोटे छोटे टास्क है, यानी ईजी टास्क में आपको मतलब कम LXP मिलेगा। ओके और जो हार्ड टास्क है उसमें आपको ज़्यादा LXP मिलेगा, जैसे अभी ये मतलब मिंट करने वाला था तो इसमें 20 LXP मिले। देखो अब यहाँ पे और भी LXP वाला आते रहेगा जो कि आप ऑटोमेटिक कर लेना, ठीक है। तो और ये कैंपेन आपका जो है अगस्त 3 को एंड होगा, यानी एग्जैक्टली 1 महीना 2 दिन का यहाँ पे टाइम है, तो 1 महीना का ये कैंपेन है, तो 1 महीना में अच्छा खासा आप LXP अर्न कर लोगे। अब देखो ये जो LXP आप अर्न कर रहे हो ना, ये आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका POH कंप्लीट नहीं होता है। अब POH का मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक बिगनर्स होंगे जिनको ये सारा बात आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने का ट्राई करूंगा सिर्फ और सिर्फ Layer 3 और लीनिया का जो कैंपेन है उसके बारे में। तो देखो ये POH वाला वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा। अब POH वाले में आपको ना ग्रुप ए में एक मिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे ट्रस्टा कर रखा है, और दूसरे में आपको ये वाला ग्रुप बी में आपको 2 करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है आई थिंक, एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना वैलेट, आप लोग चेक कर लेना क्योंकि POH कंप्लीट होगा तभी आपको LXP आपके वैलेट पे रिसीव होंगे। ओके तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अपना, तो इथेरियम यहाँ पे नेटवर्क चूज कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक हमारा दिख जाएगा कि हमारा जो POH है कंप्लीटेड है या फिर नहीं, तो देख सकते हो यू हैव कंप्लीटेड, तो हमारा POH कंप्लीटेड है ऑलरेडी। तो देखो अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि POH कैसे कंप्लीट करना है और किस तरीके से लीनिया का ये जो टास्क है कंप्लीट करना है और Layer 3 का, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय द वे ये था हमारा वीडियो, और एथिर का आप कंप्लीट कर